नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो फेस न्यूटर और अर्थिंग वायर होते हैं उसे हम कैसे पहचान सकते हैं, इस वीडियो की हेल्प से हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे जो हमारा फेस वायर होता है न्यूटर अर्थिंग और जो हमारे ऑफ वायर होते हैं हम कैसे उसको पहचाने कि ये वाला हमारा फेस है न्यूटर और अर्थिंग है। तो यहाँ पर हमने कलर कोड का यूज़ किया है, यानी आपको आसानी से पता चल सके। मगर मान लीजिए जहाँ पर आप काम करें, आपके घर में बॉडी में काम करें या किसी जगह वायरिंग करें, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि सभी वायर के कलर सेम होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आपका फेस है, कौन सा न्यूटर है, कौन सा अर्थिंग है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊं कैसे हम फेज वायर को पहचानेंगे, न्यूट्रल कौन सा हमारा है और अर्थिंग कौन सा वायर, और उसी तरह जो ऑफ वायर, ऑफ यानी कि जो आपके फैन रेगुलर में जाते होंगे या बल्ब में जाते होंगे तो वो वायर कौन से, वो कैसे पहचानेंगे। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे वायर सब निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कलर कोड का भी यूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे कलर के हिसाब से भी पता चल जाएगा कौन सा फेज न्यूट्रल अर्थिंग वायर है। पर हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे इसको पहचानेंगे ये फेज है। तो पहले जो यहाँ पे हम MCB को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई यहाँ पे आ चुका है। तो अब सबसे जो पहली हमारा स्टेप है वो हम टेस्टर का यूज़ करेंगे कि टेस्टर से हमें पता चल जाएगा कौन सा इसमें से हमारा फेज वायर है। तो हम बारी बारी सभी पे लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा, और ये इसी तरह ये और यहाँ पर, तो ये देखिए ये जो फेज वायर है तो यहाँ पर हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो ये अभी हमारा टेस्टर ग्लो, यानी ये जो रेड कलर से बताया ये मेरा फेज है, ये मुझे टेस्टर से पता चल गया। पर अभी न्यूट्रल अर्थिंग कौन सा है और इसी तरह ये ऑफ वायर में यूज़ किया तो उसमें से कौन सा न्यूट्रल अर्थिंग है वो कैसे पता करना है, तो उसके लिए फिर हम ये टेस्ट लैम्प का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने डबल टेस्ट लैम्प बनाया, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया कैसे सिंगल और डबल टेस्ट लैम्प हम साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल स्विच का यूज़ करके यहाँ पर स्विच को सिंगल फेस पर रखेंगे और ये टेस्ट लैम्प को सिंगल फेस की तरह यूज़ करेंगे। तो ये पहले हम टेस्ट लैम्प लगा के चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा और यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो ये फेस में लगाएंगे एक को, तो देखिए यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, ये देखिए हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये एक फेस के साथ ये हो गया और यहाँ पे भी ग्लो हो रहा है और यहाँ पे नहीं ग्लो हो रहा है, ये देखिए। तो ये दोनों में से एक हमारा न्यूट्रल होगा और एक हमारा अर्थिंग होगा, ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। मगर न्यूट्रल कौन सा है, अर्थिंग कौन सा, वो कैसे पता करना, इससे हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, इसमें से ये न्यूट्रल कौन सा है, अर्थिंग कौन सा है। तो ये मल्टीमीटर में हम यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वहाँ पे हम 750 वोल्टेज पर सेट करेंगे और वोल्टेज से पता करेंगे कि कौन सा हमारा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थिंग है। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया मल्टीमीटर को, और जो फेज़ है वहाँ पर हम लगाएंगे एक को, और जो बीच वाला यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर मिला 227 वोल्टेज मिला, और दूसरा यहाँ पर लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 234 मिल रहा है। तो जहाँ पे हमें वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है तो ये हमारा होगा अर्थिंग का, यानी ये ग्रीन कलर के वैसे भी मैंने बताया आपको कलर कोड के हिसाब से, तो ये हमारा अर्थिंग का है और ये मेरा जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल में हमें वोल्टेज कम बताएगा, 226-27 बता रहा है, और जो अर्थिंग है वहाँ पर हमें बता रहा है 233, और न्यूट्रल अर्थिंग के बीच इसका डिफरेंस बता देगा हमें 3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें इससे पता चल गया कि ये हमारा अर्थिंग का है और ये न्यूट्रल और ये फेस, ये तीन वायर तो हमें पता चल चुके हैं। और इसी तरह दूसरे जो हमारे अर्थ, ये आप देख सकते 2 वायर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाले आपको बताने के लिए। तो मान लीजिए आपका एक पंखे में जा रहा होगा या फिर बल्ब में जा, तो वो कैसे पता करना है, तो फिर हमें क्या करना है, एक लिंक लेके मैं आपको जो हमारा ये फेज़ है, तो फेज़ हमें यहाँ पे इसमें किसी भी एक में लगा के चेक करना होगा और एक को हमें न्यूट्रल में लगाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारा पर्टिकुलर ये लाइन में जा रहा है। तो हम यहाँ से एक को हम न्यूट्रल देंगे, तो अभी मैं लाइन को भी बंद कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे देखिए ये फेज़ वायर से मैंने एक लूप निकाला है, और जो मैंने बताया था 2 वायर जो हमारे यहाँ पे जो ऑफ वायर के उसमें से एक वायर मैंने न्यूट्रल में दिया है यहाँ पे। तो अभी मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, यानी अभी हमारा सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे फेज़ आ रहा है, और मैंने यहाँ से जैसे आपको बताया जो ऑफ यानी जो बल्ब में जा रहा होगा या फिर जो हमारा फैन रेगुलेटर है उसमें जा रहा होगा। तो मान लीजिए अभी यहाँ मैंने बल्ब पे कनेक्शन किया, तो बल्ब का जो एक वायर को मैंने न्यूट्रल दिया, अभी फेज़ को मैं यहाँ पे टच करके देखता हूँ, तो इस तरह से ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा जो पर्टिकुलर हमारा फेस बल्ब में जाता है। यहाँ पे आप 1-way स्विच का यूज़ करके इसको कंट्रोलिंग करा सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह दूसरे आप जितने भी ऑफ वायर होंगे उसमें से एक वायर को आपको न्यूट्रल दे देना है और फेस में इसको बारी बारी लगा के चेक करना है कौन से वायर, कौन सा रूम का कौन सा बल्ब या फैन रेगुलेटर था। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका फेस न्यूट्रल अर्थिंग आपको पता चल जाएगा ये टेस्टर के हेल्प से, टेस्ट लैम्प और या ये आपका जो मल्टीमीटर उसका यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा न्यूट्रल अर्थिंग और कौन सा है, और इसी तरह ऑफ वायर कौन सा है वो भी आप इस तरह से पता कर सकते हैं। एक को न्यूट्रल से कनेक्शन करना, दूसरा सिर्फ इस तरह से फेज में लगा के बारी बारी आपको चेक करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका ऑफ वायर है।
तो आज के वीडियो में यही बताना चाह रहा था, तो फेस न्यूट्रल अर्थिंग को कैसे आप इजी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।